विदाउट बिजी वेटिंग। अभी हमने बिजी वेटिंग सोल्यूशन बनाया था ना, बिजी वेटिंग सोल्यूशन मतलब कि नॉक करते रहो लगातार ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पे जब तक दो अंदर वाला पर्सन निकल जाए। बिजी वेटिंग सोल्यूशन क्या है कि सॉरी विदाउट बिजी वेटिंग का क्या मतलब, आपने देखा कि ड्रेसिंग रूम में कोई है, आप वहां से चले जाओ कहीं पे बैठ जाओ, दूसरा काम करते रहो, और उसके बाद जब ड्रेसिंग रूम फ्री होगा तो जो पर्सन फ्री कर रहा होगा वही जाके आपको बता देगा कि भाई ड्रेसिंग रूम फ्री है, आप जाके एक्सेस करो। ठीक है, तो ये विदाउट बिजी वेटिंग सोल्यूशन हो गया। अच्छा, विदाउट बिजी वेटिंग सोल्यूशन के लिए 5 मिनट में लूंगा, फिर इसी कॉन्सेप्ट को मैं कल भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आज भी आपको समझना है इसको, दो बार समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस सोल्यूशन को हम कह रहे हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का मतलब क्या है, शायद मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी आपको दिया था, एक बिस्किट की फैक्ट्री है, एक पर्सन है जो कि बिस्किट कुक कर रहा है, बेक कर रहा है, ठीक है, किसी फैक्ट्री में, और दूसरा पर्सन क्या है कि उसी बिस्किट की पैकेजिंग करता है, उसी बिस्किट की पैकेजिंग करता है। तो ये जो बिस्किट बेक कर रहा है वो प्रोड्यूसर हो गया, और जो बिस्किट की पैकिंग कर रहा है वो कंज्यूमर हो गया। ठीक है, फिर से समझिए मेरी बात, एक फैक्ट्री में बिस्किट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो बिस्किट जहां प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां फर्नेस होगा, वहां पे एक पर्सन होगा, तो वहां उसको हमने कहा कि वो प्रोड्यूसर है। बिस्किट को प्रोड्यूस करके वो लेट से कन्वेयर बेल्ट पे रख रहा है, और वो बेल्ट लगातार पैकेजिंग वाले लोकेशन पे जा रहा है। ठीक है, रोटेट माने वो पैक जो कन्वेयर बेल्ट है उसके अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से जो भी आइटम तैयार हुए वो पैकेजिंग वाले पर्सन के पास जा रहा है। अच्छा, पैकेजिंग वाला पर्सन क्या कर रहा है, इसी कन्वेयर बेल्ट से बिस्किट का एक ट्रे उठा रहा है और पैकेजिंग कर देगा, दूसरी ट्रे उठा रहा है और पैकेजिंग कर देगा, तीसरी ट्रे उठा रहा है और पैकेजिंग कर देगा। ठीक है, तो ये जो कन्वेयर बेल्ट है उसकी एक कैपेसिटी है, कन्वेयर बेल्ट की एक कैपेसिटी है ना, एक लेंथ की होगी। अगर प्रोड्यूसर या जो बेक करने वाला है बहुत तेजी से प्रोड्यूस कर रहा है तो भी वो उतने ही आइटम रख पाएगा कन्वेयर बेल्ट पे, इतना उसकी कैपेसिटी है। जैसे मान लें कि ये कन्वेयर बेल्ट है, तो लेट्स से इस पे मैक्सिमम 6 ट्रे रखी जा सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इससे ज्यादा ट्रे नहीं रखी जा सकती। तो प्रोड्यूसर चाहे जितनी स्पीड से बना रहा हो लेकिन वो इस पे 6 ट्रे से ज्यादा एक बार में नहीं रख सकता, या 6 ट्रे से ज्यादा कैपेसिटी इस कन्वेयर बेल्ट की नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर का प्रोड्यूस करना बेकार है। तो एक काम ये आप कर सकते हो कि जब ये आपकी कन्वेयर बेल्ट पे 6 के 6 ट्रे रखे जा चुके हैं तो थोड़ी देर के लिए प्रोड्यूसर को आराम दे दो, ब्रेक दे दो। ठीक है, और जब इस कन्वेयर बेल्ट पे फ्री स्पेस आ जाएगा, इसका मतलब कि एक आइटम कंज्यूम हो जाएगा या दो आइटम कंज्यूम हो जाएगा या 3 आइटम कंज्यूम हो जाएगा, तो स्पेस कन्वेयर बेल्ट पे आ जाएगी। जब आ जाएगी तो प्रोड्यूसर को वेकअप कर दो, प्रोड्यूसर को वेकअप कर देना, फिर से समझो मैंने जो बात। प्रोड्यूसर बहुत तेज है, बहुत तेजी से आइटम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ठीक है, प्रोड्यूस करके वो तेजी से उसने कन्वेयर बेल्ट पे प्रोड्यूस करके आइटम्स को रख दिया। अब कन्वेयर बेल्ट की क्या है कि कैपेसिटी है, एक लिमिटेशन है कि भाई उससे ज्यादा वो आइटम नहीं रख सकता। ठीक है, प्रोड्यूसर ने अगर 6 आइटम्स ऑलरेडी रख दिया है कन्वेयर बेल्ट पे तो आप प्रोड्यूसर को थोड़ी देर आराम दे सकते हो, इससे प्रोड्यूसर को कहो कि जाके स्लीप करो, सो जाओ। ठीक है, अच्छा, जब कंज्यूमर एक आइटम या जो ये पैकेजिंग वाला है एक आइटम कंज्यूम कर लेगा, जैसे वो एक आइटम को कंज्यूम करेगा कन्वेयर बेल्ट पे स्पेस बन जाएगी दूसरे ट्रे को रखने की, तो कंज्यूमर ही जाके जगा देगा प्रोड्यूसर को कि भाई मैंने एक ट्रे कंज्यूम कर लिया है, अब तुम और आइटम प्रोड्यूस करना स्टार्ट करो। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए कि हमारी जो कन्वेयर बेल्ट है उस कन्वेयर बेल्ट पे, ये हमारी कन्वेयर बेल्ट है, मैं बना रहा हूँ उसको, इस कन्वेयर बेल्ट पे कोई भी आइटम, ठीक है, प्रोड्यूसर थोड़ा स्लो है, सुस्त है, और उसने अभी तक कोई भी चीज इस पे रखी नहीं है कन्वेयर बेल्ट पे, तो जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा, स्लीप करेगा, सो जाएगा। और जैसे ही प्रोड्यूसर कुछ आइटम को प्रोड्यूस करके इस कन्वेयर बेल्ट पे रखेगा, वो जाके जगा देगा किसको, कंज्यूमर को जगा देगा कि भाई मैंने एक आइटम रख दिया है इस पे कन्वेयर बेल्ट पे, तुम कंज्यूम करना स्टार्ट करो, पैकेजिंग स्टार्ट करो। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम। एक आइटम प्रोड्यूस हो रहा है एक एंड पे, दूसरे आइटम पे वही आइटम कंज्यूम हो रहा है। प्रोड्यूसर के पास बहुत ज्यादा आइटम है प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन इस बफर में मेरे स्पेस नहीं है, इसको हम बफर कह रहे हैं, इस बफर में मेरे पास स्पेस नहीं है आइटम को प्रोड्यूस करके रखने की,
उस केस में मैं क्या करूंगा कि प्रोड्यूसर को स्लीप करा देगा, सोने दूंगा अपने, तो जाओ भाई थोड़ी देर रेस्ट कर। जब थोड़े थोड़े आइटम कंज्यूम हो जाएंगे इस बफर से कंज्यूमर के द्वारा, तो कंज्यूमर खुद जाएगा और प्रोड्यूसर को जगा देगा। तो मैंने आइटम कंज्यूम कर लिया है, बफर में स्पेस है, कन्वेयर बेल्ट पे स्पेस है, तुम जाके थोड़ा आइटम और प्रोड्यूस करो। इसी तरह से अगर बफर खाली हो जाए, ठीक है, तो बफर अगर खाली है तो देर इज नथिंग टू डू फॉर द कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या करेगा भाई, कैसे आइटम कंज्यूम करेगा या कैसे पैकेजिंग करेगा जब आइटम ही नहीं है बफर? तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर विल नाउ जो प्रोड्यूसर है, जब ये देखेगा कि हम फर्स्ट आइटम को ही प्रोड्यूस करके कन्वेयर बेल्ट पे रख रहे हैं, बफर पे रख रहे हैं, तो उस केस में ये जाके कंज्यूमर को जगा देगा कि भाई मैंने एक आइटम रख दिया, तुम कंज्यूम करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये हमारा सिचुएशन हो गया जिसको हम कह रहे हैं सोल्यूशन विदाउट बिजी वेटिंग। कोई बिजी वेटिंग नहीं करनी, काम नहीं है जाके सो जाओ, तो काम आ जाएगा तो तुम्हें जिसने काम जनरेट किया वही तुम्हें जगा देगा, है ना। और इसी को हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम भी कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। ठीक है, इसी को हम कह रहे हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, या इसी को हम बाउंडेड बफर प्रॉब्लम भी कहते हैं। बाउंडेड बफर का क्या मतलब है, ये जो बफर है, ये जो कन्वेयर बेल्ट है जिसमें हम आइटम रख रहे हैं, या बफर है जिसमें हम सामान प्रोड्यूस करके रख रहे हैं, इसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। इसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड नहीं है, इसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। तो लिमिटेड है तो इसीलिए बाउंडेड है, बफर की जो कैपेसिटी है वो बाउंडेड है, वो अनलिमिटेड नहीं। ठीक है, यू डील विद दिस बाउंडेड बाउंडेड बफर प्रॉब्लम इन ऑल द रियल लाइफ सिनेरियो, ऑल द रियल लाइफ सिनेरियो आई एम टेलिंग यू, एंड ऑल दी सॉफ्टवेयर दैट यू आर डीलिंग विद, यू एक्चुअली डील विद द बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। एक्चुअली है क्या, दिस इज अ सिंपल क्यू। इफ यू थिंक अबाउट दिस, दिस इज अ सिंपल क्यू, है ना। व्हाट्सएप पे मैसेजेस पैकेट्स के फॉर्म में आएंगे, वो पैकेट्स कहाँ रखे जाएंगे, बफर में रखे जाएंगे। वन बाई वन करके आपको सेंड किया गया है, रिसीवर एंड पे बफर होगा, और रिसीवर एंड मतलब कि व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर जहां पे है, और वो जो क्या करेगा इन पैकेट्स को वन बाई वन कंज्यूम करके बफर को खाली कर देगा, है ना। तो ये बाउंडेड बफर प्रॉब्लम जहां पे भी क्यू का यूज हो रहा है, दोज आर एक्चुअली द सिचुएशन ऑफ द बाउंडेड बफर और द प्रोड्यूसर कंज्यूमर।